अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं काली इमली की चटनी के स्टफ मिर्चियाँ। आइए देखते हैं काली इमली के चटनी के स्टफ मिर्चियाँ बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, देखिए हमने 10 मोटे मिर्ची लिए हैं। इसे हमने 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया और कपड़े से पोंछ लिया है। और हमने लिया है चटनी के लिए 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, बड़े नींबू के 3 इमली ली, इसे आधे घंटे के लिए भिगा कर रखा है। 1 पानी से वॉश करके आधे घंटे के लिए तक भिगा के रखे। देखिए अब हम उकली में इमली की चटनी पीस लेंगे। पहले अब हम डालेंगे इमली जो हमने भिगा के रखी थी आधे घंटे तक। उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून साबित जीरा, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। देखिए अब हम इस तरीके से पीस लेंगे। देखिए आपको मार्केट में मिल जाएगी काली इमली, बोले तो स्टोर वाले दे देते, आप काली इमली बोलिए जाकर। इस तरीके से पीस लीजिए। आपको सुपरमार्केट्स में आसानी से मिल जाती है काली इमली। देखिए इमली की चटनी पीस लिए, अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए अब हम मोटी मिर्ची को इस तरीके से कट लगाएंगे, कट कर लेंगे और बीच से स्लिट मारेंगे। देखिए इस तरीके से कट कर लीजिए और इसे इसके बीन्स के बीन्स निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से बीन्स सारे निकाल लीजिए। एक प्लेट में रखते जाएं। देखिए दूसरी मिर्ची लेंगे, इस तरीके से बीच से स्लिट मारेंगे। देखिए इस तरीके से कट कर लीजिए बीच से और इसके बीन्स निकाल लीजिए। और एक प्लेट में रख लीजिए। अब हम सारे मिर्चियों को इस तरीके से कट कर लेंगे, बीच से स्लिट करेंगे। देखिए इस तरीके से स्लिट करेंगे और सारे बीन्स निकाल लेंगे। एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए सारे मिर्चियां कट कर लिए और इसके बीन्स निकाल लिए। देखिए अब हम मिर्ची के बीन्स में जो हमने इमली की चटनी पीस ली है वो फिल करेंगे। देखिए इस तरीके से फिल करिए। देखिए इस तरीके से फिल कर लीजिए। एक प्लेट पे रखते जाइए। देखिए दूसरी मिर्ची लेंगे, इमली की चटनी लेंगे, इस तरीके से फिल कर लेंगे। एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम सारे मिर्चियों को इस तरीके से इमली की चटनी लेंगे, बीच में फिल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से फिल कर लीजिए और एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए सारे मिर्चियों को फिल कर लिए इमली की चटनी से। अब हम बेसन का बैटर बनाएंगे मिर्चियों का। देखिए अब हम एक बोल ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम ऐड करेंगे अजवाइन,
हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से क्रश कर कर डालिए। टू पिंच कुकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके से 2 मिनट फेंट लीजिए। देखिए बेसन की कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए, मिर्चियों की बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम मिर्ची फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है और तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे। बेसन के बैटर में मिर्ची इस तरीके से डिप करके डालेंगे। देखिए इस तरीके से डिप करेंगे बैटर में और डालेंगे। देखिए मिर्चियों को लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक अब हम फ्राई कर लेंगे। देखिए मिर्चियां लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। ऐसा डिप करेंगे बेसन के बैटर में और गरम तेल में डालेंगे। देखिए इस तरीके से बेसन के बैटर में डिप करिए और डालिए। अब हम सारे मिर्चियां इस तरीके से डालकर फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने सारे मिर्चियां फ्राई कर लिए। अब हम इस मिर्चियों को सर्व करेंगे। उसके लिए अब हम इस मिर्चियों में स्टफ भरेंगे। अब हम स्टफ फिल करने के लिए चॉप कर लिए सो प्याज लिए और चॉप कर लिए सो कोथमीर लिए और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम मिर्ची लेंगे। देखिए इस तरीके से मिर्ची लेंगे, बीच से कट लगाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, ऐड करेंगे कोथमीर, ऐड करेंगे चॉप कर लिए सो, चाट मसाला ऐड करेंगे। इस तरीके से आप सर्व कर लीजिए। अब हम एक प्लेट में रख लेंगे सर्व करने के लिए। अब हम दूसरी मिर्ची लेंगे, इस तरीके से कट लगाएंगे बीच से, इसमें ऐड करेंगे प्याज, कोथमीर ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे। और एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम सारे मिर्चियों को इस तरीके से फिल कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। देखिए हमने सारे मिर्चियों को कट कर लेके स्टफ भर लिए। आप इस तरीके से सर्व कर लीजिए। अब एक बार इस तरीके से मिर्चियां बना के ट्राई करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।